पलक के हो इस ब्लॉक की जिम्मेदारी, पलक आज की ड्यूटी तुम्हारी है, सबके साथ बातचीत करनी है, बूजी से स्टार्ट करना है, नानी माँ मासी भी आई है, स्वीटी मासी का पूछा जरा कौन सा, ये पठानकोट वाली मासी है। चलो जी, आज शादी का अगला दिन और शादी में आज सभी हमारी जितनी भी लेडीज हैं घर की, उन्होंने मेहंदी लगाई है, तो आज का ब्लॉग मैं नहीं करूंगा, आज पलक के हो इस ब्लॉग की जिम्मेदारी, पलक आज की ड्यूटी तुम्हारी है, सबके साथ बातचीत करनी है, बूजी से स्टार्ट करना है, नानी माँ मासी भी आई है, स्वीटी मासी का पूछा जरा कौन सा, ये पठानकोट वाली मासी है, चाची से बात करनी है और शिखा मामी से पूछना है कि डोगरा कल्चर में शादी कैसे है, आप इंजॉय कर रहे हो? ठीक है, ठीक है, शिखा मामी को है, ठीक है, ये देखो लेडीज पार्टी चल रही है यहाँ पे, चाय विद शक्कर वाले। ये हमारे रमन भैया हैं जो खाना बनाते हैं वाली बहुत अच्छा सा, तो दिखाओ भैया क्या बना रहे हो आप आज? देखो सब्जी बना रहे, पहाड़ी सब्जी, अच्छा ये तो शगुन के लिए बड़ी होती है, आलू बड़ी, अच्छा शगुन में इसमें मुसन डाला जाता है, टमाटर और बस आलू, अच्छा टमाटर, हाँ मुझे तो वैसे बहुत पसंद है ये आलू बड़ी की सब्जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हो आप बताओगे? मैं उधमपुर से हूँ। उधमपुर से हो, अच्छा आप, ये हमारे डोगरे हैं है ना, और हमारे इधर ये हर शादी में यही भैया आते हैं, तो अब चलो बाहर चलते हैं हम। तो देखो ये सारी लेडीज यहाँ बैठी हुई हैं, तो ये चाची हैं हमारे, देखो उन्होंने कितनी सुंदर सी मेहंदी लगाई है, पूरे हाथ भरे हुए, जिनकी बेटे की शादी है, देखो कितने सुंदर भी हैं ये, देखो चाची बताओ कितना मजा आ रहा था, चाची पाऊ की भी बता रहे हैं, तो बताओ चाची कितना एंजॉय कर रहे हो आप? बहुत एक्साइटमेंट भी है, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी टाइम के बाद बेटे का रिश्ता हुआ है, अब शादी होने जा रही है, तो हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत खुश हैं कि बेटे की शादी है, मेरे साथ है, मेरे सारे रिलेटिव्स भी आए हुए हैं, हाँ नानी तो मासी हम सब मजा कर रहे हैं मिलके, बाहर बारिश हो रही है, गरम गरम चाय, साथ में मट्टी, साथ में शक्करपारे चल रहे हैं, गीत संगीत चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। तो ये हमारी हिमाचली नानी है, तो नानी ने भी मेहंदी लगाई है, देखो नानी बताओ, नानी इतनी दूर से आई है चल के अपने बेटी के बेटे की शादी में, हाँ खूब एंजॉय कर रहे हैं अपने दोतरे की, हाँ, है ना? की शादी में मेरा परिवार यहाँ पे सारा, मेरी बहुए हैं, बेटियां हैं, पोतियां पोते सब हैं, पूरा भरा परिवार है, खूब एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग खा पी रहे हैं, ये लोगों में शादी ऐसी होती है, ये नानी हमारे हिमाचल की हैं, तो ये डोगरा शादी भी एंजॉय करते हैं और हिमाचली शादी भी एंजॉय करते हैं, हम आपको हिमाचली शादी भी दिखाएंगे। तो अब हम जाएंगे अपनी बूजी जी के पास जो हमारे घर के हेड हैं, और वो और बूजी जी से हम थोड़ा डरते भी हैं थोड़ा थोड़ा, पर अब थोड़ा सा ठीक हो गया है, बताओ बूजी जी, अब थोड़ा सा डर कम हो गया, अब कम हो गया, क्योंकि मुझे आप थोड़े प्रिंसिपल लगते हो, प्रिंसिपल लगते हो। अच्छा अच्छा बूजी जी बताओ कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, मायके में शादी है, काफी दिन पहले से आई हुई हूँ यहाँ पे रहने, बहुओं से कदर करवा रही हूँ अपनी, चाय पिला रही है, खाना खिला रही है, बिठा के मुझे, बहुत खुश हूँ मैं, खुश हो ना? अच्छा अब हम किससे बात करेंगे? अब हम करेंगे ताई जी से, ताई जी से जो कि मेरी सासू माँ है, बताओ कितना एंजॉय कर रहे हो आप? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मैं बहुत ही मजा आ रहा है, मेरे बेटे की शादी है, हाँ जी, तो आपने अभी नेल पेंट लगाई? नेल पेंट लगाई, मेहंदी लगाई, लगाई, शक्कर वाले मठियां खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, है ना, सुबह की तैयारी हो रही है, हमारे घर शगन आना है, सुबह हम तैयारियां कर रहे हैं, हाँ जी, तो अच्छा यहाँ पे मेहंदी लग रही है क्योंकि ये लेट आए हैं, गुड़गांव से आए हैं, तो इसीलिए ये इनको मेहंदी लगा रहे हैं निधि, तो जो कि ये भैया के मामू की बेटी है। अच्छा आप कौन बात करेगा बताओ? इम्पोर्टेंट पर्सन जो है, बहन जो है, बहन से तो बात करनी है, दूल्हे की बहन, दूल्हे की बहन, अच्छा बताओ कितना एंजॉय कर रहे हो? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा, मेहंदी दिखाओ अपनी फिर,
जो इतनी सुंदर लगाई है, है ना। अच्छा चलो बताओ अब, इतना मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बस एक ही चीज है, वेदर थोड़ा नॉर्मल हो जाए कल के लिए, कल शगुन है हमारे घर, तो इसलिए थोड़ा सा सूदिंग वेदर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा और तो अब हम बात करेंगे मामी जी से, जो कि दिल्ली वाले मामी जी हमारे। बताओ मामी जी आपको, अब ये है, चलो आप बताओ मामी जी आपको कितना मजा आ रहा है डोगरों की शादी एंजॉय करके। आप तो बेसिकली दिल्ली से हो ना, कल वाला गीत तो बताना आप कितना एंजॉय कर रहे हो। मैं दिल्ली, यहाँ का कल्चर आपको कैसा लग रहा है? कल्चर सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट कल्चर लग रहा है मुझे। मैंने यहाँ पे कल सुरभि ने मुझे गुच्छियाँ भी खिलाई और मैंने लेडी संगीत बहुत बहुत सारा एंजॉय किया। ऑफिस से मुझे वैसे टाइम नहीं मिलता था आने का, लेकिन इस बार मैं पूरा एक वीक पहले आई हूँ अपने फेवरेट काकू की शादी पर और हम बहुत 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 सारा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, बहुत ज्यादा। अभी नेल पेंट का प्रोग्राम चल रहा है, चाय चल रही है, मठियां पकौड़े सब चल रहा है, बस बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ पे। अब मेरी बिटिया किंचू से बात करूं, अब हम किंचू से बात करेंगे जो कि बहुत प्यारी है, तो अब हम किंचू से बात करेंगे। हेलो, तो किंचू कितना एंजॉय कर रहे हो आप? बहुत ज्यादा, मेरे भैया की शादी है, मैं तो यहाँ पे हफ्ते पहले से आगे बैठ गई हूँ, अब बस शादी का वेट नहीं हो रहा है, दो दिन बचे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बाहर बारिश हो रही है, यहाँ हम अपनी पार्टी कर रहे हैं सारे, चाय वगैरह पी के, बहुत मजा आ रहा है। मैं आपको एक और से मिलाना चाहूंगी जो कि मुझे बड़ी प्यारी लगती है, वो है हमारी माही, जो कि बहुत शाय है, बहुत शर्म कर रही है। माही की शक्ल दिखा, ये माही है, पंजाब से आई है, दारीवाल से आई है ये। हेलो, हाय कर दे माही। हेलो,